फिर है इफ बी इज़ द मिड। हाँ ये है ना मज़े का सवाल, ऐसे सवाल होने चाहिए। ये सवाल पहले मैं इसकी इक्वेशन खुद बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, इक्वेशन नहीं फिगर। देखो सवाल क्या गिवन है, इफ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए डी। मैंने बनाया एक लाइन सेगमेंट ए डी और इसका मिड पॉइंट बी लगा दिया। अच्छा आप लोगों को नज़र नहीं आया होगा शायद, मैं थोड़ा इसको, हाँ यही कर लेते ना बस, सही है। नीचे क्या था, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए डी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ए डी था, उसका मिड पॉइंट मैंने बी बना लिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। बी डी लाइन सेगमेंट कौन सा ही है, इसका मिड पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। ये क्लियर है, करना आपको क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब ए बी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए सी का डिस्टेंस, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ डिवाइडेड बाय ए सी लाइन सेगमेंट की लेंथ, ठीक है। आपको बेसिकली ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, ये फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी तरफ से अब लेट कर लो। लेट करना बड़ा आसान होता है, लेट करने में कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का। लेट कर लोगे आसान सी फिगर, मेरे ख्याल में पॉइंट से बच जाएंगे हम, हाँ पॉइंट से बच जाएंगे। लेकिन अगर कुछ और भी लेट कर लोगे पॉइंट आ जाएगा, लेकिन वैल्यू आपकी ठीक आएगी। लेट कर लो ये पूरी लाइन सेगमेंट 12 की है, ठीक है, 12 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी मीटर। तो आपको पता है बी मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला कितना होगा, 6 होगा, और ये भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। आपको बेसिकली दो सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, ए बी की, तो ए बी की आपने निकाल ली, किसके बराबर है, 6 के बराबर है ये पूरे, ठीक। फिर आपको निकालना है ए सी, ये पूरा ए सी है, ठीक। इतना 6 है, इतना 6 है, आपको पता है सी मिड पॉइंट है बी डी का, बी डी की टोटल लेंथ 6 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 3, इतनी हो जाएगी 3। तो बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, 3 है, ए बी की क्या है, 6 है, तो ए सी की क्या हो जाएगी, 6 + 3, ठीक है। अब आप क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी 9, ये क्या हो जाएगा, 2/3। ये बहुत ही मैंने बच्चों वाला तरीका आप लोगों को बताया, तो 2/3 इनका रेशो आएगा। बेसिकली रेशो निकालना था ना ए बी ओवर ए सी, वो हमने रेशो निकाल लिया 2/3 के बराबर है। अगर आप 10 ले लोगे लेट से, तो फिर कुछ पॉइंट में आ सकता है, ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जब आप मिड पॉइंट निकालोगे, तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5, मिला के ए सी लाइन सेगमेंट आपकी 7.5 की बन जाएगी, ए बी आपकी 5 की बन जाएगी। अभी भी 5/7.5 करोगे, आंसर आपके पास अभी भी 2/3 आ रहा होगा। तो मैटर नहीं करता, कुछ भी आप इन तरफ से लेट करके सवाल अपना सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लीज डिस्टेंस बिटवीन टू, यार बहुत ही ईजी सवाल है ये, हमेशा याद रखना जब भी लीस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो वो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही होती है। लीस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। रियल लाइफ में भी अगर भाई सिंपल सी बात है, दो पॉइंट हैं, ये आपका घर है, ये शकूर का घर है, ठीक है, ये मतलब मैं, मेरा घर है, और ये एक मेरा दोस्त है शकूर, उसका घर है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता पॉसिबल है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास शॉर्टेस्ट नहीं होता, अगर पाकिस्तान की बात करो तो ओ हो ऐसी गलियाँ, ये गली वो गली, इधर से घुस घुस के आपको यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लेट कर लो अगर एक पूरा ग्राउंड है, आप लोग दोनों ग्राउंड के अंदर आप लोगों का घर है, तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, मैं अपने घर से निकलूँ, चलते 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 उसके घर तक पहुँच दूँ। तो हमेशा लीस्ट डिस्टेंस जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अगर आप ग्राफ की बात करो, तो ग्राफ में भी लेट कर लो दो पॉइंट हैं, तो उनके दरमियान लीस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द मिड पॉइंट, दो पॉइंट के मैंने मिड पॉइंट, इससे इजी क्या हो सकते हैं, -8 + 20, ये हो जाएगा 12, 12/2 = 6, -20 + 8, ये हो जाएगा -12, -12 होगा, हाँ -12 होगा, -12/2 - 6, तो 6, -6 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा मैं मजाक से बच्चों वाला बोलता हूँ, ये नहीं कि बोले कि यार सर आपको तो बच्चों वाला लगता है, हमें नहीं लगता, आप लोगों को तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा, मुझे तो वाकई बच्चों वाला लग रहा होता है। बहरहाल 31 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और वो बोल रहे हैं कि इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है। देखो जब आप मेरी वीडियोस देखो चैप्टर 2 की, उसमें मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर मैं पॉइंट लिखता हूँ ना एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये पूरा डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है, वाई वैल्यू, ठीक। तो सवाल में उन्होंने ये पूछा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स कोमा वाई पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है, तो आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहां पर उन्होंने एक्स वाई ऑप्शन दिया हुआ है और मॉड एक्स मॉड वाई दिया हुआ है।
अगर आपको मॉड एक्स और मॉड वाई ना दें तो जनरली आप एक्स लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सही स्पेसिफिक जाओ ना तो असल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मॉड एक्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। अगर मैं लेट करूँ ये पॉइंट है -2.3 एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं बोलूँ उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है, ये डिस्टेंस है ना, तो ये किसके बराबर है, -2, ठीक है। ये माइनस हमने डायरेक्शन की वजह से लगाया ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ये तो नहीं बोल सकते यार कि ये लोकेशन -10 किलोमीटर के फासले पे, माइनस की तो सेंस ही नहीं है, तो हम डायरेक्शन की वजह से बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में, अच्छा ये एक्स होगा ना, ये एक्स वैल्यू ये वाई वैल्यू है, तो ऐसे केसेस में आप ये नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स क्या है, -2, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसे केसेस में आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस मॉड एक्स के बराबर है, -2 मतलब 2 के बराबर है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस मॉड एक्स होता है। लेकिन जनरली मैं बोलूं, अगर मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहा हूं तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा। यहां पर उन्होंने ये दोनों ऑप्शन दिए हैं तो बेस्ट आंसर क्या है, मॉड एक्स है। अगर ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आप एक्स लिख देते। उसके बाद 32 है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, अच्छा ये वही सवाल है जो मैं पहले, अच्छा ये एक चीज़ बता दूँ, ये सवाल गलत है, ठीक है। अगर आप इन तीनों पॉइंट की फिगर बनाओ ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, पहली बात। अगर कोई तीन पॉइंट, अगर किसी दो पॉइंट को तीसरा पॉइंट कट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे ना। अगर आप इन तीनों पॉइंट की फिगर बनाओगे, मैंने आप लोगों को ऐप बताई हुई है, डेस्मॉस के नाम से होती है, सबसे ईजी और छोटी सी ऐप है, मैं हमने 5 MB की है, वो आप मतलब डाउनलोड करना, एंड्रॉयड में है, आईफोन में भी होगी, हम गरीब हैं हमने आईफोन नहीं रखा हुआ, देख लेना शायद हो उसमें। तो ये तीन पॉइंट है, ठीक है, तो आप इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ करना है इस ग्राफ के अंदर, और आप देखोगे तीनों पॉइंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, तो सवाल पहली बात है गलत है। इस सवाल को मैंने गौर से देखा था, अगर आप इस सवाल को सही करना चाहो तो ये जो पॉइंट है ना -1.3, इसको आप कंसिडर करना 10.3, ये पॉइंट था -1/3.0 पॉइंट था ना, ये पॉइंट गलत है। अगर आप इस मतलब ऑप्शन के हिसाब से इस पॉइंट को चेंज करो तो वो क्या बनेगा, 10.3.0, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 10/3.0, ठीक है। तो अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो आप इस वाले पॉइंट को ये कंसीडर करो, फिर आप सॉल्व करना वही टेक्निक से, m1/m2 किसके बराबर है, x1 - x, x - x2, जो मैंने पहले अभी टेक्निक बताई थी, ठीक है, उस तरह करना, आपके पास आंसर आ रहा होगा 2/1, ठीक है। तो ये कर लेना, मैंने करवा दी इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रहा, नखरे आ गए असल में। उसके बाद हम आते हैं 33 पे। 33 क्या है, इफ़ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये सारी कंडीशन लिखी हुई है। भाई अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो m1 बराबर होता है m2 के। अगर आप गौर से देखो तो तकरीबन इन ACD ऑप्शन में m1 और m2 इक्वेशन की एक तरफ है, ठीक है, और B ऑप्शन में दूसरी तरफ है, वो तो आपको दिखने में लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। m1 इक्वल टू m2 होता है, m1 इक्वल टू -m2 नहीं हो सकता जब पैरेलल होंगे, तो इस वाले ऑप्शन को तो डायरेक्ट काट दो। बाकी तीन ऑप्शन जो है ना, इसमें m1 m2 एक इक्वेशन के तरफ है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, m1 और m2 को जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनको इक्वेशन के एक तरफ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इक्वेशन के, अच्छा जो असल तरीका होता है, हमने जुगाड़ रखी होती है ना, m2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, असल तरीका मैं बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप दोनों तरफ इक्वेशन के m2 सब्ट्रैक्ट करवा दो, इधर भी -m2 आ जाएगा, इधर भी -m2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे भाई दोनों कैंसिल, तो m1 - m2 = 0। तो m1 m2 इक्वेशन के एक तरफ जब आप रखोगे तो पैरेलल में कंडीशन ये वाली आ जाएगी, तो ये वाली कंडीशन भी पैरेलल की होगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप m1 इक्वल टू m2 कंसीडर करो। दूसरा तरीका ये है कि मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो m2 से m2 कैंसिल, या 1 आ जाएगा, m1/m2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अच्छे तरीके से क्यों समझाया, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं m2 को इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये तरीका आपको कंफ्यूज करेगा, क्यों करेगा ये मैं नहीं बता रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सही तरीका जो है वो बता दिया। अब आप दूसरा वाला तरीका खुद सोचना क्यों कन्फ्यूज़ करेगा। एक तरीका ये है, प्रॉपर तरीका ये है, m1 - m2 = 0। एक और प्रॉपर तरीका क्या है, m1/m2 1 के बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन पैरेलल की होंगी जब m1 m2 इक्वेशन की एक तरफ है। अब आप देखो ऑप्शन में जो मतलब गिवन है वो आप ठीक कर दो, ऑप्शन में सी जो है वो ठीक है, m1/m2 = 1, ठीक। अगर ये वाला होता तो ये भी पैरेलल की कंडीशन ही होती, सही। उसके बाद 34 क्या है, द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप को ही कहते हैं अभी,
अच्छा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। 34। अच्छा ग्रेडियंट आप लोगों के लेवल पे स्लो भी है, अगर आगे जाओगे तो ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, उन फंक्शंस पे आ जाता है कि जो एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। बहरहाल अभी ये समझ लो स्लोप की बात की जा रही है। द स्लोप ऑफ अ लाइन, दो पॉइंट गिवन है और बोला हुआ है कि उनका स्लोप 4/5 है, आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ के। बहुत ईजी सवाल है। पॉइंट दो क्या है, पहला पॉइंट है 7, k और दूसरा पॉइंट है k, 3। सबसे पहले अच्छा इनका स्लोप क्या है, 4/5 सवाल में गिवन है और आपको करना क्या है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये k अजीब ही हो गया। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, 3 - k और k - 7। सवाल में गिवन है ये स्लोप किसके बराबर है, 4/5, तो 4/5 के बराबर ले लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 जाएगा इधर, 4 जाएगा, मतलब 4 जाएगा इधर, नहीं 5 जाएगा इधर और k - 7 जाएगा इधर। ठीक है, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट की 5 जाएगा इधर और k - 7 जाएगा इधर, मतलब मल्टीप्लाई होगा, जाएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा उधर जाके। 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -5k। इसी तरह k - 7 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4k - 28। के की वैल्यू निकालनी है, -5k को उधर ले जाओ, 28 को उधर ले आओ। 15 + 28 कितना होगा, अल्लाह भला करे 43। 5 + 4 ये हो जाएगा 9। तो k की वैल्यू 43/9 काफ़ी छिचोरी वैल्यू आ रही है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में आपको ये नज़र नहीं आ रही, ऑप्शन में आपको मिक्स फ्रैक्शन नज़र आ रही है, सारी की सारी ये मिक्स फ्रैक्शन होती हैं। कन्वर्ट करने का तरीका मिक्स फ्रैक्शन में बहुत ईजी है यार, डिवाइड कर दो 9 को 43 से, 9 4 ज़ा, अच्छा बचपन में 4 ज़ा बोलते थे ना, अभी भी वही बोलते हैं। खैर 9 4 ज़ा 36 होता है। अगर आप लिखो बच्चे का क्या है इसमें, अरे यार सिंपल तरीका है, 7 बच जाएगा, मैं दूसरा सॉल्व कर रहा था। अच्छा ये जब आ जाए ना आपके पास, ठीक है, अब मज़ीद आप 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगाना पड़ जाएगा। तो अब करने का तरीका ये है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवीज़न। कोशेंट क्या होता है, कोशेंट होता है क्या होता है, जो ये ऊपर लिखा होता है इसको कोशेंट बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 4। रिमाइंडर क्या होता है, जो नीचे बच गया 7। डिवीज़र क्या है, जो इधर लिखा होता है 9। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है। सॉल्व किस तरह करोगे, अगेन 9 को 4 से करो 36, 36 + 7 क्या होता है 43, डिवाइड में 9 आ जाएगा। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है और उनके दरमियान प्लस डाल के भी लिखा जा सकता है, ये एक ही चीज़ है ना, हम बेसिकली प्लस ही कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो इस तरह भी लिख दो और अगर आपने आसानी के लिए लिखना है तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 7/9। उसके बाद 35 में लिखा हुआ है m1 = 1 है, m2 = -1 है, देन टेंजेंट थीटा विल बी। आपको एक लाइन है जिसका स्लोप 1 गिवन है, एक और लाइन है जिसका स्लोप -1 गिवन है और आपसे वो पूछ रहे हैं, अच्छा वो पूछ क्या रहे हैं, देन टेंजेंट थीटा विल बी, वो आपसे टेंजेंट थीटा की वैल्यू मांग रहे हैं। ठीक, आपको पता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 1 + m1 m2। अच्छा जब आपको ना गिवन हो ना कि एंगल किस लाइन से किस पे बन रहा है, तो सिंपल आप मॉड लगा दो। ठीक है, इस सवाल में लगाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने आपको बता दिए, इस सवाल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी ही मतलब बता दूँ क्या हो रहा है आगे। m1 क्या है, 1 के बराबर, -m2 क्या है, -1, -1 पॉजिटिव। 1 + m1 × m2, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा, तो -1 हो जाएगा नीचे। ऊपर तो बेशक आंसर 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और आपको पता है जब 0 हो जाए नीचे तो फ्रैक्शन आपकी हो जाती है इनफाइनाइट, टेंजेंट थीटा = इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। एक मैं यहाँ कन्फ्यूजन बता दूँ जो मैंने अपनी वीडियो में भी की थी, क्या किया था मैंने, नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है, जब हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मल लगाते हैं ना तो हम एंड पे क्या करते हैं, एंगल निकाल के ही छोड़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारी ये आदत होती है। ठीक है, और एंड पे टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है, 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस चल रही होती है, जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एंड पे हम थीटा ही निकालते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं और ऑप्शन में 90 लिखा होता है उस पर करेक्ट कर देते हैं, ये गलत है। सवाल में वो आपसे थीटा नहीं पूछ रहे, सवाल पे वो आप टेंजेंट थीटा पूछ रहे हैं आपसे। अगर वो सवाल में पूछते कि थीटा क्या है तो आप बोलते 90, वो पूछ रहे हैं टेंजेंट थीटा क्या है, वो इनफाइनाइट के बराबर है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आखिरी क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन, यार स्लोप क्या होगा, 4 - 1 = 3, 5 - 2 = 3, 3/3 = 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो गाइस चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो गया, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दुआ कर देना, बाकी अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।